मुनिसिपल प्लेस सच की तालाब में आप सभी का स्वागत है। देवरी प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रजीत अहोदर और अंचलाधिकारी सुदेश कुमार के नेतृत्व में आज गांधी जयंती मनाई गई। वीडियो अहोदर ने उपस्थित लोगों से गांधी जी के तरह ही सत्य अहिंसा के राहों पर चलने का अपील किया। वहीं देवरी प्रखंड के कई मुखिया उप मुखिया समेत कई जनप्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और हमें उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। मौके पर प्रमुख मालती देवी, जिला परिषद सदस्य गीता पादरा, उषा कुमारी, पंचायत सचिव सदस्य धोकल दास, मुखिया राम सागर राय समेत कई लोग मौजूद थे। दीदी लोग को दिया तो इस प्रकार का जितने भी जरूरत पड़ेगी तो उनको मिलता है, ऑर्डर मिलता है कि आप इतना हमको पदर लेके दीजिए, पूरी रेट में आपसे परचेजिंग करेंगे। तो इस प्रकार से अगर ये प्रशिक्षित होते हैं तो यहाँ के 120 लोगों को रोजगार मिलेगा, सखी मंडल की विधि को रोजगार मिलेगा। और इससे एक और फायदा होगा कि इसमें से जो भी मतलब 30 दीदी को जो प्रशिक्षित कर रहे हैं उसमें से कितने लोग के ट्रेनर बन रहे हैं। जो आज दीदी रीता जी आई है यहाँ ट्रेनर के रूप में है, उनका यहाँ चयन हुआ ये गीता कुमारी का, ये तिरुवनंतपुरम में काम करती थी पहले, कि बाद में डिग्री के वजह से यहाँ झुको देवी कॉलेज में इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किए और उसके बाद फिर से तिरुवनंतपुरम में काम करने के गई और फिर से अभी इसके यहाँ प्लेसमेंट हुआ। ये भी पहले इसी तरह सिलाई सीखी दीदी दी चुके हैं और आज मास्टर ट्रेनर के रूप में सभी दीदी को सिखाएंगे। तो यहाँ से भी हम हो सकता है कि कई मास्टर ट्रेनर हम लोग निकाल सकते हैं और इसके बाद अगर कहीं दूसरा बैच चलता है उचित तैयार होता है तो हो सकता है कि इन्हीं से कोई मास्टर ट्रेनर हम लोग भी निकाल के दूसरे सेंटर पर दे सकते हैं। तो ये तो दूसरी बात है कि जो दीदी जो प्रशिक्षित होंगे वो कई महिलाओं को